भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के सरकारी संस्थानों को भी धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की संविधान में उल्लेख है। जिन सरकारी संस्थानों में अस्पताल, पुलिस चौकी, स्कूल कॉलेज, जिला अधिकारी कार्यालय और न्यायालय में शामिल है। सरस्वती जो हिंदू देवी है और कहा जाता है कि सरस्वती विद्या की देवी है और इसको लेकर प्रतिवर्ष झारखंड के और देश के अन्य भागों के स्कूलों में यह पर्व मनाया जाता है। देवी सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं और इनकी उपासना से बुद्धि विवेक बढ़ता है, ये मान्यता है इसके, ये समाज में ये है, तो इसके लेकर बच्चे में भी इसका प्रभाव है, तो बच्चे इसको करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये स्कूल में सरस्वती पूजा मनाया जाना चाहिए या नहीं? ये हम लोग तो बच्चे के अनुसार चलते हैं, हम लोग तो इसमें कोई किसी पर दबाव नहीं डालते हैं कि मनाना ही है, ऐसा विद्यालय से कोई दबाव नहीं होता है। ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है। जो सांसद की जो कमेटी है बाल सांसद की, उसमें कोई मुस्लिम बच्चा है क्या? हाँ, मुस्लिम बच्चा भी है, 15 में से एक आध दो मेंबर वो भी हैं। अच्छा, आपको पता है ये सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? सरस्वती पूजा हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जानते हैं कि कुछ विद्या माँ होती है हम लोग का, उसी को हम लोग सरस्वती माँ को मानते हैं, उसी हिसाब से हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। विद्यालय एक विद्या देने का स्थान है, तो विद्या देने का स्थान है, तो विद्या देने का सारा क्रेडिट सरस्वती माता को जाता है, तो सरस्वती माता को इसी कारण हम बहुत धूमधाम से पूजते हैं उनको, और ये पूजा हिंदू के बहुत ही क्षेत्र में होता है। स्कूलों में ज़्यादातर बहुलता हिंदू छात्रों की होती है, इसलिए इसके आयोजन में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया, पर बदलते समय के दौर में अन्य धर्मों के लोगों का अलग अलग मत है। इस तरह से और भी जो त्यौहार है, मान लीजिए ईद हो गया या क्रिसमस हो गया कुछ भी, तो वो सब हम लोग क्या मना सकते हैं स्कूल में? नहीं, क्यों नहीं मना सकते हैं? जब सरस्वती पूजा मना सकते हैं तो उसको क्यों नहीं मना सकते हैं? देखिए, एक्चुअली स्कूल जो है स्कूली शिक्षा के लिए है और शिक्षा से संबंधित सरस्वती जी हैं शिक्षा की देवी के रूप में, इसलिए उसको धर्म मनाने के लिए सब स्वतंत्र है, सब मिलजुल के मना सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कि खाली हिंदू धर्म में ही माना जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, मनाया जाता है, ये किसी जाति के लिए नहीं है। शिक्षण संस्थान में है, लोग चौक चौराहे में बाजार में जो मना रहे वो गलत है, ये सिर्फ स्कूल में ही होना चाहिए, शिक्षण संस्थान में ही होना चाहिए। हम बाल संसद के जितने भी मेंबर हैं, यदि उनसे हम कुछ आग्रह करेंगे और यहाँ फिर सर से या मैडम से कुछ डिसीजन लेके, यदि सर या मैडम या बाल संसद में कुछ अच्छे निकल गया तो हाँ मनाएंगे, तो क्यों नहीं मना सकते, सब कुछ सब पर्व मना सकते हैं। और इस तरह के आयोजन में स्कूल के शासन भी शामिल रहता है और उनका कहना है कि यह स्कूल की भागीदारी से नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सहयोग से किया जाता है, पर प्रश्न यह है कि अगर कोई दूसरे धर्म के लोग धार्मिक कार्यक्रम करना चाहे तो क्या स्कूल अनुमति देगा? मैं भारती, धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।